हमारी संस्कृति हमारी पहचान के तहत सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन दिल्ली के आया नगर में किया गया। दरअसल गुरुवार को देश भर में गोवर्धन पूजा का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। शाम को गोवर्धन की पूजा कर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। गोवर्धन पूजा का त्यौहार मूलतः पशुपालनों में मनाया जाता है। जिन परिवारों में पहले पशु पाले जाते थे उनके यहाँ परंपरागत रूप से यह त्यौहार मनाया जाता है। पशुपालन अपने पशुधन और परिजनों की सलामती के लिए गोवर्धन पूजा करते हैं। दिल्ली में आया नगर इलाके में सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। शाम को पूरे शहर में युवाओं ने पहली बार सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। लगभग 10 फीट के गोबर के भगवान गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की गई। पूजा अर्चना करने के बाद गोवर्धन को मिष्ठान और पकवान का भोग लगाया गया। पूजन के दौरान लोगों ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान ढोल नगाड़ों सहित भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा के आयोजन पर इलाके के बुजुर्ग काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आज युवा अपनी सांस्कृतिक आस्थाओं को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे बच्चों ने जो पूजा आयोजित की है उसके द्वारा ही अपनी मान्यताओं को बचाया जा सकता है। ये आयोजन हमारे गाँव के पूरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों ने सबने मिल करके किया है और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति से जुड़ती रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर पे चली जा रही है और हमारे जो संस्कृति है उसको भूलती जा रही है। सिर्फ इसका उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी संस्कृति से जुड़े, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे पूजा पाठ, जिस तरह से जिस पद्धति पर चलते आए थे उसी पद्धति को लागू करना हम लोग चाहते हैं। संवाद 365 के लिए दिल्ली से दीप सिलोड़ की रिपोर्ट।